हेलो एवरीवन, आज है 11 फरवरी और आज इस वीडियो में हम ग्रेफाइट इंडिया के बारे में बात करने जा रहे हैं। देखिए, ग्रेफाइट इंडिया आज 435 पे ट्रेड कर रहा है और आज 48 रुपए की गिरावट है। ऑलमोस्ट 10% तक ये शेयर गिर चुका है। और बात की जाए तो अगर इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो इसके जो नतीजा है ग्रेफाइट इंडिया के, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने ग्रेफाइट इंडिया को लेके एक टारगेट भी दिया है आने वाले 1 साल को लेकर, तो उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो ग्रेफाइट इंडिया का अगर पिछले 1 हफ्ते की अगर हम बात करें, तो देखिए पिछले 1 हफ्ते में 16% से भी ज़्यादा की गिरावट है। 436 रुपये का लो है और 523 रुपये का हाई बनाया है इसने। पिछले 1 महीने की बात करें तो 1 महीने में 39% जितनी गिरावट है। देखिए, 750 रुपये के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा था और सडन कंटिन्यूअस इसमें गिरावट आई। बीच बीच में बाउंस बैक किया लेकिन अगेन इसमें गिरावट आ गई है। और 1 महीने की बात करें, सॉरी 1 साल की बात करें, तो 38% से भी ज़्यादा की गिरावट है। 436 रुपये का लो है और 101,106 रुपये का हाई बनाया है इसने। 3 साल की अगर हम बात करें तो 525% का ग्रोथ है। देखिए, 64 रुपीज़ के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा था। अब देखिए, अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो 8,518 करोड़ का मार्केट कैप है। मिड कैप स्टॉक है ये। एनएससी में भी आप देखिए तकरीबन 20 लाख के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड इसमें देखने को मिल रहा है। और जो नतीजे आए हैं दिसंबर के, जिसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, वो ये है कि काफ़ी निराशाजनक है। नेट सेल में भी 22% की गिरावट है। नेट प्रॉफिट में भी 33% की गिरावट है। सिर्फ 609 करोड़ का नेट प्रॉफिट यहाँ पर देखने को मिला है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी आप देखिए 12.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। और रीज़न आप सबको पता है, जो मैं पिछले वीडियोस में हम बात कर चुके हैं कि ईरान का जो यहाँ पे जो ईरान की तरफ ये लोग जो एक्सपोर्ट करते थे, उसमें काफ़ी ज़्यादा हद तक गिरावट आई है। और जो इंटरनेशनल ट्रेडिंग को लेके है, उसमें भी इनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत झेलनी पड़ रही है। चाइनीज़ मार्केट में भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत इनको आ रही है। और बात की जाए तो प्रमोटर्स की होल्डिंग 64.27% की है। एफआईएस के पास 8.32% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड के पास 5.31% की होल्डिंग है। इंश्योरेंस कंपनी के पास 2.94% की होल्डिंग है। नॉन इंश्योरेंस इन्वेस्टर के पास 18.11% की होल्डिंग है। अब देखिए, प्रमोटर्स के द्वारा एक भी शेयर यहाँ पर गिरवी नहीं है। 12 म्यूचुअल फंड स्कीम्स ने अपना पैसा लगाया है। 187 एफआईएस ने इसमें अपना पैसा लगाया हुआ है। 1000% का डिविडेंड ये पे कर रहे हैं। अब ग्रेफाइट इंडिया की अगर मैं बात करूं तो देखिए, अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 72% बाइंग रिकमेंडेशन है, 25% सेलिंग रिकमेंडेशन है, 3% लोग इसमें होल्ड करने के लिए बोल रहे हैं। अब आप देखिए, पी बहुत ही कम पी पे आ चुका है ये। अगर आपको पता हो तो 1 हफ्ते पहले 3 का पी था, जो अभी 2.52 का हो चुका है। इंडस्ट्री पी 9.52 का है। बुक वैल्यू है 139.82, प्राइस टू बुक वैल्यू है 3.12, ईपीएस 172, डिलीवरीज ऑलमोस्ट 35% की डिलीवरीज इसमें देखने को मिल रही है। अब हम बात करेंगे इसके बैलेंस शीट के ऊपर। तो देखिए, कर्जा 155 करोड़ के आसपास का कर्जा इसमें देखने को मिल रहा है। टोटल असेट्स इनके पास 2,750 करोड़ के आसपास के टोटल असेट्स है इनके पास। और म्यूचुअल फंड की होल्डिंग भी काफ़ी ज़्यादा है एलएनटी में। और अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ आ रही है वो ये है कि ग्रेफाइट इंडिया का जो टारगेट है वो आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने 650 रुपये का दिया है। मैं आपको बता दूं कि ये 650 रुपये का टारगेट 1 साल का होता है। तो आने वाले 1 साल में उन्होंने दिया है कि ये टारगेट 650 रुपये तक पहुँच जाएगा। ये कहना आईसीआईसीआई डायरेक्ट का है। तो इनके अकॉर्डिंग ये टारगेट इतने तक जाना चाहिए। और जहाँ तक मुझे लगता है, मुझे लगता है कि ये 1 साल में एटलीस्ट 550 से 600 के बीच में रहना चाहिए। लेकिन जो गिरावट है वो गिरावट अभी भी कम नहीं हुई है।
इसमें आने वाले दिनों में और गिरावट आपको देखने को मिलेगी। आने वाले दिनों में ये जो अभी 435 पर ट्रेड कर रहा है, ये शायद आपको 350 या 400 के बीच भी ट्रेड करता हुआ दिख सकता है। तो इसीलिए मैं ये कहूंगा कि जो फ्रेश बायर्स हैं उनको मैं कहूंगा कि हाल फिलहाल इसमें खरीदारी करने की जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें, होल्ड करें और सही वक्त पर इसमें इन्वेस्ट करें। और जिन लोगों ने ऑलरेडी खरीदा हुआ है, जिन लोगों ने ऑलरेडी खरीदा हुआ है उनको कहूंगा कि अगर अगर वो इस शेयर को कम से कम 2 या 3 साल के लिए होल्ड कर सके तो ही इसको अभी भी होल्ड अगर रखे, नहीं तो बेच के एग्जिट कर ले। तो मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि अगर खरीदारी की है इसमें तो कम से कम इसको 3 साल के लिए होल्ड करके रखो, अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन आने वाले दिनों में इसमें गिरावट भी आने वाली है, ये भी श्योर है। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ अभी इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।